हेलो एवरीवन, आई एम शालू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन। मैं यहाँ बात करती हूँ ब्यूटी, लाइफस्टाइल, डीआईवाई, स्टाइलिंग वीडियोस एंड मेनी मोर। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हम मेरे चैनल को चेक करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे कॉन्टेंट आपके काम आ सकते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो जैसा कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैं उसी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पहले मैंने रक्षाबंधन लुकबुक एंड फेस्टिवल स्पेशल कुर्ती की आप कम बजट में कैसे कुर्ती को डिजाइन कर सकते हो ओनली इन 120 रुपीज, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लास्ट में दे दूंगी, प्लीज चेक करिएगा। एंड दुपट्टा आइडियाज, बहुत सारे वीडियोस मैं अभी तक फेस्टिवल को लेके शेयर करने वाली हूँ, तो उन लिस्ट में आज एक और वीडियो शामिल होने वाली है। आज मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी, प्लीज दी साड़ी को दुपट्टा के साथ में कैसे मिक्स मैच करके हम स्टाइल कर सकते हैं, प्लीज उसके लिए वीडियो अपलोड करिए। सो मैं आज टोटल 4 आइडियाज या 4 साड़ी ड्रेपिंग विद दुपट्टा शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। एंड इसमें से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बिल्कुल मेरे आइडिया है, कुछ सेलिब्रिटी को मैंने देखा था पेयर किए हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सोनम कपूर इंस्पायर ड्रेपिंग मैं शेयर करूंगी, मैं उनकी पिक्चर भी पेस्ट करूंगी जो भी ड्रेपिंग उनसे इंस्पायर है। एंड कुछ मैंने बहुत ही कॉमन रखे हैं जो आप हो सकता है कि आपने पहले भी किसी के चैनल पर देखा हो, ये बहुत कॉमन है। कॉमन रखने का बस एक रीज़न है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टाइल में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, तो इसीलिए मैंने बस एक स्टाइल कॉमन रखा है कि इसे हर कोई फ्लॉन्ट कर सकता है। एंड जो सारे स्टाइल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगी या शेयर करने वाली हूँ, आप बहुत ही ईजिली प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, मैंने कोई भी ऐसे आइडियाज़ नहीं रखे जो आप नहीं ड्रेप कर सकते हो साड़ी को, साड़ी के साथ में अपने दुपट्टास को। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। अगर आपके पास नए कॉस्ट्यूम नहीं भी है तो हमेशा जरूरी नहीं कि नए कॉस्ट्यूम लिए जाए, आप मिक्स मैच करके अपने कपड़ों को अपने इस फेस्टिवल सीजन बहुत ही इजीली अपने लिए कोई भी क्लोथ बना सकते हो। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरी मेहनत दिख रही हो कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आ रही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी बहुत ज्यादा बातें हो गई, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं साड़ी को टक कर रही हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मल टकिंग करते हैं आपको उसी तरह टकिंग कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे साड़ी के पल्लू को लेके अपने शोल्डर पे रखूँगी। एंड जैसे हम लोग नॉर्मल प्लीटिंग करते, ये देखिए थोड़ा सा आपको छोड़ के करना है ताकि जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा आए। तो मैंने प्लीट बना लिया है, अब आपको प्लीट को अच्छे से सेट करना है। आप साइड वाला जब भी आप टकिंग करो प्लीट, हमेशा उसे टान के करना, जिससे जो फिनिशिंग है बहुत अच्छी आती है साड़ी की। मैं हमेशा ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ, तो उसको आपको टक कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द साड़ी का है उसे टक कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक दुपट्टा ले रही हूँ अपनी साड़ी से मैचिंग। आपको थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी दुपट्टा वो थोड़ा कंट्रास्ट में हो, इससे जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। एंड आप देखो मैं यहाँ पे, एंड ये टोटली आपके ऊपर है कि आप दुपट्टे की विड्थ जो है वो चौड़ी रखना चाहते हो या फिर पतली रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे दुपट्टे की प्लीट्स को बैक साइड से यहाँ पे पिनअप कर लूँगी, ताकि जो प्लीट्स है वो इधर उधर ना हिले, अपनी जगह पर रखें। आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको दुपट्टे की जो प्लीट्स है बहुत अच्छे से सेट करनी। यहाँ मेरा सिल्क का दुपट्टा है तो वो थोड़ा हार्ड होता है क्वालिटी वाइज, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर आप फ्लोई मटेरियल चूज़ करोगे तो बहुत ही ईजिली आपका दुपट्टा जो है वो सेट हो जाएगा। तो फाइनली ये दुपट्टा सेट हो गया। एंड यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए एंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे मैंने अपने प्लीट्स को कंप्लीट कर लिया, शोल्डर प्लीट्स को, जो आंचल वाला पोर्शन आता है। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। प्लीज़ ट्राई करिएगा, इस फेस्टिव सीज़न बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत ही रॉयल लुक देता है ये आपको। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे बोलने पे एंड ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा। बिल्कुल आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। सो बढ़ेंगे थोड़ी देर में नेक्स्ट लुक की तरफ। फॉर द लुक नंबर 2, ये लुक भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आज
अभी तक आपने YouTube पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल देखे होंगे कि साड़ी को एज अ स्कर्ट कैसे पहने, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा है। आप देखो, आपको क्या करना है, साड़ी का एक पोर्शन उठा के आपको यहाँ पे बॉक्स प्लीट क्रिएट करनी, मींस एक प्लीट आपको लेफ्ट साइड से लेनी है एंड देन एक प्लीट आपको राइट साइड से लेनी है, जिससे बॉक्स प्लीट का जो है इफेक्ट आ जाए। एंड ये प्रोसीजर करते टाइम आप एक चीज़ देखोगे कि आपकी साड़ी दो बार रैप होगी, मींस साड़ी का जो विथ होता है वो 5 मीटर एंड 5.5 मीटर के लगभग होता है, तो ये राउंड में दो बार जाएगा। जब आप बॉक्स प्लीट क्रिएट कर, सिंपली आपको एक राइट प्लीट करनी है देन एक लेफ्ट प्लीट करनी है। आप ध्यान से देखना वीडियो, आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। एंड दो बार राउंड होने की वजह से जो स्कर्ट है, जो साड़ी से आप स्कर्ट बना रहे हो, बहुत ही अच्छा एक उसका फ्लेयर आएगा, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट नहीं लगेगा, फूला फूला कैन कैन इफेक्ट आएगा। तो ये मैंने अपना स्कर्ट जो है रेडी कर ली है। एंड एक और बात, आप जितनी भी साड़ी टकिंग करना चाहते हो, लेंथ आप नीचे फ्लोर से अपने अकॉर्डिंग रखना एंड उसके अकॉर्डिंग आपको साड़ी को टक करना है, ताकि चलने में आपको कंफर्टेबल हो। नाउ मैं एक यहाँ पे दुपट्टा ले रही हूँ एंड उसको प्लीट्स करके बैक साइड में मैं उसे टकिंग कर लूँगी एंड मैं सिंपली पिनअप कर लूँगी अपने शोल्डर पे दुपट्टा को, एंड एक पिन मैं अपने ब्लाउज के लोअर पोर्शन में लगाऊंगी। आपको जितना एरिया हाईलाइट करना है, हाइड करना है या शो करना है, उसके अकॉर्डिंग आप पिन कर सकते हो। अगर आपको पिन नहीं भी लगाना है तो आप बस शोल्डर पे पिन कर सकते हो। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको मेरी ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी, ये टोटली मेरी क्रिएटिविटी है बॉक्स प्लीटिंग की। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा एंड बताइएगा कि आपको कैसा लगा। एंड इनमें से कोई भी लुक अगर आप फेस्टिव सीजन ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टा, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो, प्लीज टैग करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नाउ बढ़ती हूँ थर्ड लुक की तरफ। ये लुक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये लुक सोन, कुछ लुक्स जो है वो सेलिब्रिटी इंस्पायर है, तो ये लुक जो है वो सोनम कपूर इंस्पायर्ड है। मैंने देखा था इंस्टा पे उनकी ये पिक्चर, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी एंड यूनिक लगी थी। तो अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो, दो लुक जो मैंने अभी शेयर किए वो आप ईजिली, बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये लुक भी बहुत प्रैक्टिकल है, बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तभी इस तरह के लुक को आप ट्राई करिए। सिंपली मैंने दुपट्टे को अच्छे से फोल्ड करके पिन लगा लिया, आप देख रहे हो उसमें कुछ भी नहीं है, एंड मैंने उसे गले पे रख लिया है एंड जो रेस्ट ऑफ द दुपट्टा था वो मैंने टक कर लिया है जहाँ पे प्लीटिंग है, आप अगर ध्यान से देखोगे। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप ये लुक आपको अच्छा लगे एंड अगर आपको मेरी मेहनत दिखती हो, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ जनता जनार्दन, मेरी स्वीट सी फैमिली, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। And also see the points together. I don't know what else there is. सारे लुक क्रिएट करते वक्त बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ऐसे दुपट्टा चूज़ करने, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये मेरी एक चिकनकारी की कुर्ती, सॉरी साड़ी है, तो इसीलिए मैंने दुपट्टा भी जो चूज़ किया है वो चिकनकारी का चूज़ किया है। बट बढ़ती हूँ फोर्थ एंड लास्ट लुक की तरफ। ये लुक मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन रखा है। अगर आपने स्किप ना किया हो वीडियो और स्टार्टिंग का मेरा इंट्रो देखा हो, तो मैंने बोला था कि मैं एक लुक को यहाँ पे कॉमन रखूँगी जिसे हर कोई फ्लॉन्ट कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने डबल पल्लू का कॉन्सेप्ट अपनाया है। सिंपली आपको टकिंग एरिया से दुपट्टे को टक कर लेना है एंड उसे अपने शोल्डर पर रख लेना है। देन आपको पहले साड़ी के प्लीट को आपको सेट करना है, उसके बाद ऊपर से दुपट्टा को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एंड पिन कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल, इजी ब्रीजी सा है एंड आपकी साड़ी बहुत ही अच्छा एक नया लुक आएगा, आपकी पुरानी साड़ी ही नहीं लगेगी एंड ये हाफ एंड हाफ का कॉन्सेप्ट हो जाता है। आप देखो बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉमन है बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो दिस इज़ माई लास्ट लुक एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आप लोगों ने सारे लुक को इन्जॉय किया।
तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज बताइएगा इन चारों लुक में आपका फेवरेट लुक कौन सा है एंड आप लोगों की फेस्टिवल की तैयारियां कैसी चल रही हैं, प्लीज लेट मी नो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग कोई वीडियो चाहते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो या इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।